अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड पॉलर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज का रिव्यू कंसीलर के दुरुस्त इस्तेमाल पर है। बहुत सारी ख्वातीन ये प्रॉब्लम शेयर करती हैं, बेस कुछ टाइम गुजरने के बाद ग्रे हो गई, एक्नी पिम्पल्स और दाग धब्बों के निशान वाजिया हो गए, यानी कि आपकी बेस परफेक्ट नहीं बनी। तो आज हम इस रिव्यू में इन तमाम मसाइल को डिस्कस करेंगे। आज का रिव्यू है एले गर्ल के प्रो कंसीलर पर। काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, प्राइस के हिसाब से भी मुनासिब है और मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारे शेड हैं, मेरे पास आज इसमें 5 शेड मौजूद हैं। ये तीनों शेड डार्क सर्कल दाग धब्बों को कवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आप सोच रही होंगी कि इसमें से मैं कौन सा इस्तेमाल करूं? इनमें से जो शेड आपकी स्किन के हिसाब से ठीक हो आप वो अप्लाई कीजिएगा। ग्रीन शेड को हम एक्नी, मतलब के जो रेड निशान होते हैं, उनको कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर ये शेड ज़्यादातर हाइलाइटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जी, ये आप इन सब के कलर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। एक और बात मैं आपको बताती जाऊं कि आपको स्पंज, ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की मदद से जिससे आपको इजी लगे आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। ये तरीका देखें, इस तरह से इसको रगड़ के ब्लेंड करना, ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस तरह से आपकी बेस ठीक नहीं बनेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको दुरुस्त तरीके से कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि ये मेरे डार्क स्पॉट है, इस पर इसको मैं अप्लाई करूँगी। ये मैंने इसको, अब मैं स्पंज के साथ इसको टैप टैप करके ब्लेंड करूंगी। अच्छे से इसको टैप टैप करके ब्लेंड करना है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी नेचुरल बेस आपकी लगेगी। जी, ये मैंने टैप टैप करके इसको ब्लेंड कर लिया। अब मैं थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ दूंगी। हमारा कंसीलर सेट हो चुका है। अब मैं आपको इस पर बेस अप्लाई करके दिखाऊंगी। अब हमने बेस इसके ऊपर टैप टैप करके अप्लाई करनी है। इसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से इसको टैप टैप करना है। अच्छे से अपनी बेस की ब्लेंडिंग करने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो हमारी बेस बिल्कुल नेचुरल शेड में आ जाएगी। आप बेस में जो भी इस्तेमाल कर रही हैं, बीबी फाउंडेशन, पैनकेक, इसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने ये फाउंडेशन अप्लाई की है। अब ये देखें, जो निशान था वो बिल्कुल कवर हो गया है और कितनी नेचुरल बेस लग रही है। उम्मीद करती हूँ आज का रिव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।